दोस्तों आपको याद ही होगा कि 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था तो भैया उस वक्त किस तरीके से सोनू सूद ने दिल खोल कर गरीब गुरबा लोगों की मदद की थी। और भाई सोनू सूद की इस मदद की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही थी और भाई हर कोई सोनू सूद को लेकर यही बात बोल रहा था कि भाई इस बुरे वक्त में सोनू सूद भगवान से कम नहीं है, यानी कि उनके कामों की प्रशंसा हर जगह हो रही थी। तो दोस्तों आज सोनू सूद को लेकर एक बहुत दुखद खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद मैं भी आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप भी मेरे साथ भगवान से ये दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ले। जी हाँ दोस्तों, आज ये खबर आई है कि सोनू सूद भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए हैं, यानी कि इस बात की जानकारी खुद सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सबको दी है कि उनका जो कोरोना टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव पाया गया है और उसके बाद से उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। यानी कि उन्होंने इस बात की जानकारी सबको देते हुए बात बताई कि भैया इस दौरान उनसे जिन जिन लोगों की मुलाकात हुई है वो अपना कोरोना जांच कराएं और खुद को घर में आइसोलेट कर ले, क्वारंटाइन कर ले, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद मैं तो आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों ये कोरोना 2020 वाला नहीं है, बस उससे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि भैया मैं एक बात आप लोगों से लगातार बोलता आ रहा हूं कि भैया ये कोरोना ना तो गरीब देखेगा, ना अमीर देखेगा, ना कमजोर देखेगा, ना ताकतवर देखेगा, ये जिस इंसान को लापरवाह देखेगा उसको ये कोरोना अपना शिकार बना लेगा। तो दोस्तों इन दिनों मैं भी बेफिजूल के अपने घर से तो दोस्तों इन दिनों मैंने भी एक बात गांठ बांध ली है कि भैया अगर मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं बाहर निकलूंगा, अन्यथा मैं बेफिजूल का बाहर घूमने नहीं निकलूंगा। और दोस्तों मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई आप खुद और आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि भाई अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर जाना तभी बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर में रहिए। अगर आप ये स्टेप उठाएंगे तो ये स्टेप आप अपने परिवार के लिए उठाएंगे, आपके द्वारा उठाए गए ये कदम आपके परिवार को इस भयावह कोरोना वायरस से बचाएगा। तो दोस्तों ये वक्त होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके मटर गश्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जरूरी है। क्योंकि भैया इस वक्त लोगों को सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है इस भयावह कोरोना वायरस से बचने का। तो दोस्तों आज जब यह खबर हम लोगों के सामने आई है कि सोनू सूद भी इस वायरस से ग्रसित हो गए हैं, तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि भैया वो भी ये बात आप लोगों को समझा रहे हैं कि भैया बेफिजूल में घर से बाहर ना निकले, ये आपके और आपके परिवार के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।